हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। काबू है और तू करके चल रही है यहाँ ना, ना कुछ हुआ है और आग बहुत तेज है। कानपुर चौहान टोले जिस पर लगभग 600 आबादी है और इतनी बड़ी फतेहपुर यूपी की ये वो जेल हैं जिनमें आग ने अपना तांडव मचा रखा है। हाल के दिनों में यूपी में आग ने किसानों की जिंदगी को राख कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में आग ने अपना ऐसा तांडव मचाया है कि देखते ही देखते मिनटों में खेत के खेत आग की तेज लपटों में जलकर भस्म हो गए हैं। खेत में खड़ी फसल के साथ भस्म हो गई किसान की उम्मीदें, किसान के सपने। तेज बारिश, कड़कड़ाती ठंड और बदन जला देने वाली तेज धूप में दिन रात एक कर कड़ी मेहनत के बाद खेतों में फसल लहलाने वाला किसान आज लाचार है। अपनी आंखों के सामने अपने खून पसीने सुखाई फसल को आग की तेज लपटों के बीच जलता हुआ देख रहा है। अभी तक प्रशासन का कोई भी कर्मचारी यहां पे उपस्थित नहीं हुआ। लगभग 100 से 150 बीघे फसल जो है जल के खाक हो चुका है। ग्रामीणों में काफी दहशत है। बगल में हमारे गांव के ही कुछ टोले फंसे हुए हैं, चौहान टोले, जिस पर लगभग 500 से 600 आबादी है और इतनी बड़ी भीषण आग और इसके बाद भी यहां कोई उपस्थित नहीं है और न ही प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है। अपनी फसल के एक एक दाने को जलता देख किसान का रोया रोया सुलग उठता है, लेकिन लाचारी ऐसी है कि वो इस तेज हवा और आग की लपटों से टकरा नहीं सकता। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में आग ने अन्नदाता का हाल बेहाल कर दिया है। अलग अलग जिलों में अपनी आंखों के सामने जलती फसल को देखकर किसानों की आंखों से आंसू छलक पड़ रहे हैं। इधर जब आग लगने की वजह तलाशी गई तो पता चला कि आग लगने की अधिकतर घटनाएं खेत के ऊपर से निकले हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने की वजह से हो रही है। कभी खेतों में तार टूट कर गिर जाता है तो कभी तेज हवा की वजह से बिजली की तारों के टकराने से होने वाली स्पार्किंग खेतों को जलाकर स्वाहा कर दे रही है। वहीं जब खेतों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो फायर ब्रिगेड के जल न पहुंच पाने से आग एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच जाती है और इस तरह से देखते ही देखते कई बीघे की फसल आग की चपेट में आ जाती है। लगातार खेतों में आग लगने की वजह से किसान डरा हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि इस तरह के हादसे में किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अब तक कई जिलों में सैकड़ों बीघे में खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी है और नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लिहाजा लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किसान इसका मुआवजे से पहले ऐसी घटना न हो इसका समाधान चाहता है।